गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, 8th क्लास के लिए आपका चैप्टर चल रहा है साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी खरपतवारों से सुरक्षा। इसके अंतर्गत मैनुअली जो मेथड है खरपतवारों से सुरक्षा का, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का, वो आपने देख लिया था कि हाथों से, है ना, खुरपे वगैरह के द्वारा खरपतवारों को कैसे खेत से निकाला जाता है। इसके बाद देखो, बाय यूज ऑफ वीडिसाइड्स, जो दवाइयाँ होती हैं जो खरपतवारों को नष्ट करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स। तो उनके द्वारा कैसे यूज नष्ट किया जाता है खरपतवारों को, कि नहीं वीड्स को, आइए देख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद देखें आप, सम ऑफ द कॉमनली यूज वीडिसाइड्स, सम ऑफ द कॉमनली यूज का मतलब जो अधिकांश प्रयोग में लाए जाते हैं वीडिसाइड्स, वो कौन कौन से होते हैं। 2,4-D, पहला कौन सा है, 2,4-D है, एक है MCPA, एक है सिमाजीन और एक है मेटाक्लोर। तो ये जो नाम दे रखे हैं, ये कुछ कॉमनली यूज्ड वेडिसाइड्स हैं, यानी ऐसी दवाइयां हैं जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, दीज आर स्प्रेड माने ये छिड़काव किया जाता है इनका, या बखेरी जाती हैं इन द फील्ड्स माने खेत में, टू किल द वीड्स माने कीड़ों को नष्ट करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, दे माने वे, डू नॉट डैमेज माने नष्ट नहीं करती हैं क्रॉप्स माने फसलों को, यानी जो वीडिसाइड्स है ना, ये जो दवाइयां हैं, ये केवल खरपतवारों को नष्ट करती हैं, क्रॉप्स यानी फसलों को नष्ट नहीं करती हैं। देखो, वीडिसाइड्स आर पॉइजनस, जो वीडिसाइड्स हैं, जो कीटनाशक हैं, ये कीटनाशक नहीं कहेंगे बल्कि खरपतवार नाशक कहते हैं। आर पॉइजनस केमिकल्स, ये जहरीले या विषैले केमिकल्स यानी रसायन होते हैं। एंड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, और किसानों की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसे प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। सो केयर मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग दैम, सो जो केयर है ना, केयर माने देखभाल, मस्ट बी टेकन माने जरूरी है, वाइल यूजिंग दैम, जब आप इन्हें यूज करते हैं तो देखभाल क्या है, बहुत ज़रूरी है। फार्मर्स शुड कवर देयर नोज, जो किसान होते हैं, शुड कवर माने कवर कर लेते हैं, देयर नोज माने अपनी नाक को, एंड माउथ और अपने मुँह को, विद ए पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े के टुकड़े के द्वारा, है ना, टुकड़े से। ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, जब वे इन केमिकल्स की स्प्रे करते हैं, यानी जब किसान फसल पर खरपतवारों को नष्ट करने के लिए वीडिसाइड्स यानी केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो वे अपनी नाक और मुंह को कपड़े के द्वारा ढक लेते हैं, क्योंकि ये किसानों के लिए हानिकारक होते हैं। आगे देखो, क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीज, पेस्ट्स माने कीड़े और डिजीज माने बीमारियाँ, रोग। तो क्रॉप का यानी फसल का प्रोटेक्शन वाली रक्षा करनी है कीड़ों से और बीमारियों से। देखो, प्लांट्स कैन बी अटैक्ड एंड डैमेज्ड बाय सेवरल ऑर्गेनिज्म, देखो प्लांट्स माने पौधे, कैन बी अटैक्ड माने उन पर अटैक हो सकता है या वे डैमेज हो सकते हैं, बाय सेवरल ऑर्गेनिज्म यानी बहुत सारे छोटे छोटे जीवों के द्वारा भी। देयर आर रिफर्ड टू एज पेस्ट, इन जीवों को आप क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, कीड़े कहते हैं, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज, उन्हें इस प्रकार क्लासिफाई किया जा सकता है यानी वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो, पहला क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस, जो डिजीज है ना, डिजीज माने जो रोग हैं, कॉजिंग माइक्रोब्स, जिसका कारण क्या है, माइक्रोब्स हैं, है ना, माइक्रोब्स का मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव, जैसे कि उदाहरण के रूप में दिखा रखा है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, फंगी जो फंगस होता है उसका प्लूरल है फंगी, वायरसेस जो वायरसेस होते हैं, तो ये छोटे छोटे जीव जो हैं ये किसका कारण होते हैं, डिजीज यानी रोगों का कारण होते हैं फसल में। इसके बाद देखो, इंसेक्ट्स यानी जो कीड़े हैं, बर्ड्स चिड़िए हैं, है ना, रैट्स जो चूहे हैं, दैट ईट द क्रॉप, जो फसलों को खा जाते हैं, एंड डिस्ट्रॉय इट, और नष्ट कर देते हैं। आगे देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो देखो माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो, क्रॉप्स आर आल्सो अटैक्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस, तो जो क्रॉप्स है ना, वो किस किस के द्वारा अटैक होता है, उस पर हमला होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, वायरस के द्वारा, विच रिड्यूस यील्ड बाय कॉजिंग डिजीज, देखो विच माने जो, रिड्यूसेस माने घटा देता है, यील्ड माने उत्पादन को, बाय कॉजिंग डिजीज यानी बीमारी के कारण, यानी जब फसल को बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, तो उसका उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, फंगी कॉज रस्ट, फंगस के कारण रस्ट नाम का रोग हो जाता है, स्मट नाम का रोग हो जाता है, धब्बा लग जाता है फसलों में, गेहूं में, इन व्हीट माने गेहूं में, ठीक है, और पोटेटोज में ब्राइट रोग हो जाता है।
यहाँ तक।